What's up YouTube? कैसे अपनी छोटी सी YouTube फैमिली? I hope आप लोग सेफ एंड साउंड हो और सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली, बी सेफ एंड इफ पॉसिबल इस साल भी वापस होली मत खेलिए। लास्ट ईयर तो हमने कैसे भी करके होली खेल ली थी क्योंकि पेंडेमिक जस्ट शुरू हुई थी और हम इंडियंस तो आप जानते हैं कि कोई बात को हम लोग सुनते ही नहीं है। और आज इसी वजह से वापस हमारे देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जगह जगह पे लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन लग रहे हैं और महाराष्ट्र का तो क्या कहना, मतलब यहाँ की पब्लिक इतनी अच्छी है कि यहाँ के टाइटल से तो आप समझ गए मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, लॉकडाउन एंड नाइट कर्फ्यू, एंड इसके पीछे रीजन कौन है? हम लोग है। यस, हम लोग, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने ये सब कुछ अवॉइड किया, हमको एक पल के लिए ऐसे लगने लगा कि नाइट कर्फ्यू हो या कुछ भी हो, कोरोना वायरस चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है। आप अगर हो सकते तो मेरे कुछ वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है इस कोविड को वापस फैलाने में, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है कि नाइट कर्फ्यू लगी है, ये हम लोगों की वजह से लगी है। और हाँ, उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि शायद लॉकडाउन हो सकता है, 90% चांसेस है कि सेमी लॉकडाउन, मतलब फुल लॉकडाउन नहीं, सेमी लॉकडाउन हो सकता है क्योंकि हम लोग बात सुन ही नहीं रही है। मंदिरों में गर्दी है, मस्जिद में गर्दी है, चर्चेज में गर्दी है, सब जगह गर्दी है। लोग मतलब एक पल के लिए इतने एब्सेंट माइंडेड हो गए कि सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि कोरोना वायरस तो चला गया है, अब क्या है। लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं कोविड का, उन लोग ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता है। और जबकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने सब कुछ ये कहा है कि भले आप वैक्सीनेशन लो पर यू हैव टू वेयर द मास्क फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, फिर भी लोग इस तरीके से घूम रहे जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। मैं खुद जब अपने ऑफिस में जाता हूँ इतनी गर्दी देख रहा हूँ, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, हर जंक्शन में इतनी गर्दी कि लोगों को मतलब परवाह ही नहीं है। एक बात तो सच है कि हम इंडियंस को कोरोना वायरस से तो डर तो नहीं लगता, क्योंकि जो डर एक लास्ट ईयर था वो अभी बिल्कुल नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट को एक प्रिकॉशन लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने स्टार्टिंग से वार्निंग देते आए हैं कि उन्हें लॉकडाउन नहीं करना है, पर अगर लोग ही नहीं बात सुनेंगे तो उनको मजबूरी में लॉकडाउन करना रहेगा। मैं उन्हें भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनके खुद की वाइफ और उनके खुद के बेटे पॉजिटिव हो गए, जबकि उन लोग खुद रूल्स फॉलो करते हुए भी इनको पॉजिटिव कैसा हो गया भगवान जाने। मतलब जब समझ सकते हो कि ऐसे वीआईपी लोगों को अगर हो सकता है तो हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग की जान भी जा सकती है। पर सर्वे के हिसाब से ये भी देखा गया है कि 90% जो भी केसेस इंडिया में आ रहे हैं सब एसोमेटिक है, मतलब इन लोग 3-4 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, इनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, घर पे भी अगर इनके सेपरेट रूम्स हो वहां पे भी ये ठीक कर सकते हैं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मथुरा की होली की 2 दिन पहले की वहां पे फंक्शंस की कुछ फोटोग्राफ्स देखी, मतलब मथुरा में बहुत बड़े पैमाने पे होली का त्योहार हो रहा है जहां पर लेडीज डंडा मारती है, लोग ऐसा कुछ डाल पकड़ते हैं उसके ऊपर। मतलब मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 3-4 हजार या उससे भी ज्यादा लोग है, उसमें से हार्डली किसी ने मास्क पहना है। तो गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता है कि यूपी मथुरा में ये सब क्या चल रहा है यार, वो लोग हमेशा हमारे महाराष्ट्र को दोष दे रहे हैं। यूपी के लोग कैसे हैं तो पूरी दुनिया जानती है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ इंडिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। फिर भी आप देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी बड़ी बड़ी भाषण देता है वो टकला, इतनी बड़ी बड़ी भाषण देता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उस गधे को वो नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके मथुरा में क्या हो रहा है। नो डाउट लोग तो लापरवाह है ही, लोग ही रिस्पॉन्सिबल है और आज हमें वापस भुगतना पड़ रहा है जो लास्ट ईयर हुआ था वो है लॉकडाउन। और अगर केसेस इस तरीके से और बढ़ती गई तो वापस से हमारे मित्र मोदी जी तो यही कहेंगे कि भाई केसेस तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग एब्सेंट माइंडेड कैसे हो सकते हैं। चलो अनपढ़ों की बात तो हम समझ सकते हैं कि उन लोगों को तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर अनपढ़ों से ज्यादा ये देखा गया, सर्वे ये कह रही है कि 90% पढ़े लिखे लोग ही लापरवाह है। रेस्टोरेंट्स में देखिए गर्दी ऐसा है, वेटिंग लिस्ट लगा हुआ खाना खाने के लिए। पब्स में देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में केसेस आए कि रात भर पार्टियां चल रही है, मतलब सब अमीर घर के लौंडे लड़के लड़की सब जाके मस्तियां कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मंदिरों में गर्दी, मस्जिदों में गर्दी, मंदिरों में मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी गर्दी है,
जबकि यहाँ मंदिरों में ये भी कहा गया कि आप खाली दर्शन करके निकल जाइए। 10 लोग बैठ गए वहाँ पे मस्जिदों में, जा रहा था मस्जिदों में कम से कम 100 लोग बाहर निकल रहे हैं नमाज पढ़ने। मतलब ये सब क्या चल रहा है? अगर ये सभी चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएंगे। लास्ट ईयर का वापस कहर आ गया है, मैं कल गाड़ी लेके रात को निकला था, जो नाइट कर्फ्यू हो रही है वो देखने के लिए, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन था। मतलब अगर हम लोग नहीं सुनेंगे, और गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को तो 100 करोड़ अगर महीने का मिल गया तो उनका तो खर्चा निकलता रहेगा, पर हम लोगों का क्या? हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की बात छोड़िए, हम लोग जीए मारे, हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इन गधों को हम लोग ने ही सिलेक्ट किया है, इन गधों को हम लोग ने ही सिलेक्ट किया है, वोट दिया है। इन लोग तो जब जी जाए बोल रहे लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो बस। इन लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे। महाराष्ट्र में जो नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग दिया गया है, मतलब इन लोग ने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया। एक रेस्टोरेंट में इंसान दोपहर से ज्यादा रात को खाना खाने आता है, रेस्टोरेंट में एक इंसान 9:30 के बाद खाना खाने आता है, पर यहाँ पे हमारी सरकार ने, यूजलेस सरकार ने 8 बजे सुबह 7 से 8 बजे तक लॉकडाउन कर दिया है, मतलब नाइट कर्फ्यू कर दिया। सिर्फ रेस्टोरेंट तो बैडली हिट है ही, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, सर्विस सेक्टर्स है जो बैडली हिट होने वाली है, क्योंकि इन्होंने टाइम का कुछ देखा ही नहीं, जो इनके मन में है इन्होंने कर दिया है। मैं कंप्लेंट ये नहीं करूंगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मैं सिर्फ कंप्लेंट करूंगा हमारे पब्लिक के अगेंस्ट कि हम बात नहीं सुन रहे, लापरवाह के घूम रहे। होली आ रही है, लेडीज जेंट्स मार्केट में ऐसा सब कुछ खरीदने निकल गए, मतलब क्या हो रहा है? एक साल नहीं करेंगे तो भगवान आके नीचे आपको श्राप नहीं देगा कि क्यों नहीं मुझे मनाया? ये नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मन में भगवान को रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगा, वर्स्ट डे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।